हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इसमें दो ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो आपको अपसाइड मतलब बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोजिशनल बात कर लीजिए या कैसे भी बात कर लीजिए, ओके, जिस तरीके से आप उस शेयर को लेना चाहें, जिस तरीके से ट्रेड करना चाहें लॉन्ग टर्म के, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न उन्होंने आज तक दिए भी और आगे भी देते आएंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ शेयर की, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर मैंने कल की डेट में कुछ स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी, 4-4, 5-5% भागते हुए दिखाई दिए थे। एज वेल एज बात करें सीएट, ये भी 3% आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया था। ओके, एज वेल एज मैक्स, मैक्स के रिलेटेड अगर बात करूँ तो काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया था कि आप कैसे कह सकते हो ये वो, तो आज के दिन में वो भी 3-3.5% तक भागता हुआ दिखाई दिया था, बट नो इशू। सिम्फनी की बात करें, सिम्फनी आपको बताया था, सिम्फनी भी आज 2-3% भागा था और इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अच्छे हैं। और जेटीई की टी, इसमें तो आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन में 20% का, तो एन्जॉय करिए। 145 रुपीज़ तक ये शेयर मेरे को लगता है कि निकाल देना चाहिए, 2 दिन बाद रिजल्ट है। एज वेल एज अगर बात करते हैं और भी कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमटार, एमटार तो ऑलरेडी भाग लिया है, और यहाँ पर एक स्टॉक और था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट और दीजिए, हाँ ये स्टॉक था, यहाँ पर देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला की भी होल्डिंग है 6.29% की, जुबिलियंट इंग्रीविया अगर बात करें 10-11% ये शेयर भागते हुए दिखाई दिया, और भी बहुत सारे शेयर भागे थे। और अगर बात करूँ, मैंने कुछ में प्रॉफिट बुकिंग भी करी है, जैसे कि ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप आज अच्छे खासा भागता हुआ दिखाई दिया, मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। और दो शेयर जिनसे रिलेटेड मैंने बाइंग किया है, वो आज आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इन्हीं के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती है, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे, आप वीडियोज देख सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। जिस शेयर से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, वो शेयर है देखिए वर्लपूल ऑफ इंडिया। अब वर्लपूल ऑफ इंडिया किस वजह से चूज किया है, इसके पीछे की दो वजह है, ओके। और आज की डेट में अगर बात करें, जिस लेवल पे मैंने खरीदा था उसी लेवल पे आज क्लोज भी हुआ है, और ऊपर चला गया था बट नीचे आ गया। अगर बात करें मार्केट कैप की, लार्ज कैप कंपनी है, आरओसी 28 का है, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी प्लेज नहीं है, और मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ में दिखाई दे रही हैं। एज वेल एज अगर बात करें वर्लपूल इंडिया की, ये क्या बना फ्रीज बनाता हुआ दिखाई देता है, ओके, यहाँ पर डबल डोर अलग अलग तरीके के, मतलब जिस तरीके से लोग अपने जितने रिच होते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है ये उतने आप इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग भी करते हैं। यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डबल डोर, ट्रिपल डोर, इस तरीके के आपको फ्रिज मिलते हुए दिखाई देंगे, छोटे से लेके बड़े तक, ओके, ऑटोमेटिक मशीन्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, वॉशिंग मशीन सॉरी, यहाँ पर एसी दिखाई देंगे। और एसी से रिलेटेड आपको पता ही है कि किस तरीके से एसीज की जितनी भी कंपनीज है सबके रिजल्ट अच्छे से आते हुए दिखाई दिए, इसके भी रिजल्ट आएंगे, तो ये भी भागती हुई दिखाई, देखिए वो शेयर रिजल्ट आने के बावजूद गिरते हुए दिखाई दे रहे, डरिए मत, एक्यूमुलेट करने का मौका है, वो शेयर फिर मौका नहीं मिलेगा, वो भागते हुए दिखाई देंगे, और बहुत जल्दी आपको 1 से 2 महीने में दिखा दूंगा कि वो शेयर भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओके, तो वर्लपूल इंडिया आपको पता ही है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है 200 DMA, ओके, अगर कोई भी चीज़ 200 DMA में इसके ऊपर नीचे चलती है ना, तो उसे तुरंत लपक लीजिए, उसे तुरंत बाइंग कर लीजिए, आपको अच्छा खासा गेन फ्यूचर में देती हुई नज़र आएगी, ओके। तो ये 200 DMA के नीचे चल रही है, एक ओके, ये दूसरी बात। बाकी डेट फ्री कंपनियां बहुत अच्छा यहां पर बिजनेस है, ओके, यूएस वगैरह में भी ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज बात करते हैं यहां पर सेल्स की, तो यहां पर देखिए हाईएस्ट एवर पिछले 2 क्वार्टर में सेल्स है, अभी जब रिजल्ट आएंगे तो आपको और पता चल जाएगी। नेट प्रॉफिट देखिए, यहां पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी रिजल्ट आएगा तो आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट। यहाँ पर बात करें देखिए, इस अगर पिछले 12 महीने की बात करें 5474, बट कंसिस्टेंसी देखिए कि इंक्रीजिंग मैनर में है, और यहाँ पर जब अभी रिजल्ट आएंगे तो ये पूरा का पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें 71 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट, 297 करोड़ की प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, और अभी 12 महीने का जब रिजल्ट यहाँ पर अपडेट होगा तब आपको और चीज़ें
क्लियर होती हुई दिखाई देंगे माइंड में। अगर बात करें रिजर्व्स की, तो यहाँ पर देखिए 2505 करोड़ का रिजर्व्स है, कोई भी बोरिंग नहीं है। पिछले 10-12 साल की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी यहाँ पर देखिए एक्सपेंड भी करती आ रही है, ओके, एक्सपेंसिस भी करती आ रही है, कैपिटल एक्सपेंसिस जिसे कहते हैं। बात करें कैश इक्विवेलेंट की, 1949 करोड़ का कैश है, ओके, ट्रेड रिसीवेबल मिलता आ रहा है इन्हें, कैश फ्लो अच्छा खासा है, जो भी पैसा प्रॉफिट होता है वो सीधे बुक्स में जाता है। आरओसी यहाँ पर देखिए कभी भी 26 से नीचे आई नहीं है आरओसी, और ऐसी कंपनी जो आरओसी अच्छी खासी दे तो उसमें बिजनेस करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का मजा ही अलग है। और देखिए पूरा जो सेबी का रूल है 75-25 का, उसी को प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखा है। 1% का मतलब बात करें तो 0.01% भी नीचे यहाँ पर होल्डिंग नहीं है। FIs की बात करें, FIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर ली है, DIs ने थोड़ी सी घटाई है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर साफ नज़र आती है। तो इस चीज़ को देखिए, DIs में देख लीजिए कौन कौन है, आदित्य बिरला, HDFC, फ्रैंकलिन, FIs में देख लीजिए, प्रमोटर्स में देख लीजिए वर्लपूल में मॉरिशियस लिमिटेड यहाँ पर पूरी की पूरी होल्डिंग रखती है। तो अगर बात करें यहाँ पर आज की दिन की, तो यहाँ पर देखिए बल्क डील होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर वर्लपूल ऑफ इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:18, 11 बजे, 10 बजे, 10 बजे, तो यहाँ पर बल्क डील होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, 2150 के प्राइस पे, 2145 के प्राइस पे, 2146, 2145, 2150, तो इन प्राइसेस में यहाँ पर बल्क डील होती हुई दिखाई दी है इन शेयर में। आज देख लीजिए आज की डेट ही है 24। अब ये बाइंग है सेलिंग है कुछ पता नहीं, बट हाँ बाइंग भी होती हुई दिखाई दी है, कुछ सेल हो सकता है इनमें से और बाइंग भी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी शेयर काफ़ी, अगर बात करें अपने ऑल टाइम हाई से, तो काफ़ी नीचे चल ही रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक साल की, तो यहाँ पर देखिए 2627 को, मतलब इसी जनवरी में 2672 पे गया था, उसके बाद यहाँ पर सीधे अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है, और उसके बाद से शेयर भागे ही नहीं है। बट अभी ये जितने भी शेयर है ना, अंबर इंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, हैवल्स, वोल्टास, ये सारे आपको भागते हुए दिखाई देंगे। इस ड्राइंग को मैं एक बार हटा लेता हूँ, ओके। तो अगर हम बात करते हैं इस शेयर से रिलेटेड, ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये शेयर जो चल रहा है अभी इधर चल रहा है, ओके, इसके आसपास चल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और अगर हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, तो लगभग यहाँ पर इस तरीके का एक चार्ट पैटर्न बनता है। मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बार इस चीज़ को ब्रेक करेगा ना, तो ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ओके। एंड अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए ब्रेकआउट कब होता है इस चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ एक बार, और होता क्या है कप विद हैंडल पैटर्न वो भी आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में, बट जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए कप विद हैंडल पैटर्न वो होता है जब यहाँ पर से नीचे लगभग 30% तक की गिरावट होती है ना, तब, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का एक कप बनाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा गिरावट होती है। और जब यहाँ पर ब्रेकआउट में लोग कहाँ खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर जाता है। बट अगर हम इस वाले पीरियड को भी क्यों छोड़े, ये भी पीरियड कोई थोड़ा थोड़ा ना है। अगर बात करें यहाँ पर इसकी, ओके, तो ये 200 DMA के नीचे चल रहा है। पहली बात यहाँ पर भी देखिए 17% के रिटर्न है, क्यों छोड़े 17% के रिटर्न। और अपसाइड मूव्स देखें तो 3812 रुपए का यहां पर ये टारगेट आ रहा है। पिछले अगर एक साल भी आप टाइम दे देखते हैं, एक साल, तो एक साल में 75% के रिटर्न 1 से 1.5 साल में मिल जाते हैं, तो क्या बुराई है इसमें। और आपको यहां पर भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल यहां की, कि इसका ऑल टाइम हाई कहां था, इसका ऑल टाइम हाई यहां पर था 2762। और यहां पर अगर हम बात करते हैं ये शेयर की, तो यहां पर देखिए रिजल्ट अच्छे आ ही रहे हैं सारी कंपनीज के, तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे तो यहां पर अगर 3 महीने के अंदर भी 30% या फिर 6 महीने के अंदर भी 30% के रिटर्न यहाँ मिल जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, वर्लपूल इंडिया इसलिए आपके लिए यहाँ पर चूज किया गया है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। बाकी अगर बात करें, शेयर डेट फ्री है, एवरीथिंग इज फाइन, एक जानी मानी बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा बात कर ले दूसरे शेयर की, दूसरा शेयर है ब्रिटानिया ऑफ इंडिया, ओके, बोनस डिवेंचर से रिलेटेड बातें हो रही है। आज की डेट में ये मैंने खरीदा भी है, ये किसी भी, मैंने अगर बात करूँ डिविडेंड या किसी चीज़ के लिए नहीं खरीदा है, ये खरीदा है इन कुछ रीज़न की वजह से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 4000 रुपये तक ये गया था लास्ट ईयर की बात करें, उसके बाद से यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई है, उस लेवल तक पहुँचा भी नहीं। आज की डेट में देखिए 73% के शेयर, 10 लाख शेयर यहाँ पर उठाए भी गए हैं। और यहाँ पर
अगर कुछ चीज़ें देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोनस डिबेंचर से रिलेटेड बातें हुई है, एज वेल एज डिविडेंड की आखिरी डेट थी, बट डिविडेंड और डिबेंचर के लिए मैंने शेयर नहीं उठाया। मैंने स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर शेयर उठाया, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगी, अगर मैं यहाँ पर ब्रिटानिया लिख देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये लगभग लगभग 59% का डेट है, नो इशू। ओके, प्राइसिंग की बात करें, इसके लिए डिबेंचर भी ला रहे हैं तो डेट भी कम कर देंगे, फिर उसके बाद और बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी, तो भागता हुआ दिखाई देगा, एक्सपेंड करेगा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में। प्राइसिंग कुछ नहीं है, और लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी नज़र आती है ये, और काफ़ी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 3800 का लेवल ये बार बार आता है और बार बार तोड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर, ये भी जो शेयर है 200 DMA के नीचे चल रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग किया है, और ज़्यादा कुछ नहीं, पोजिशनल लेवल के लिए बाई किया है। 3700-3800 रुपये तक आएगा ये शेयर, तो दोबारा मैं इसे सेल आउट कर दूंगा, फिर उसके बाद दोबारा ओपन खरीद लेंगे इसे। 36% का ROE पे ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। सेल्स की बात करें, इस बार थोड़े सेल्स थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए थे कंपेरिजन टू पिछले 3-4 क्वार्टर से, बट कोई इशू नहीं है, बट कंसिस्टेंसी है ना यहाँ पर ग्रोइंग, एज वेल एज टू नेट प्रॉफिट भी बात करें, नेट प्रॉफिट 2-3 बार से यहाँ पर कम आया, बट कोई इशू नहीं है, होता है, बिजनेस है, बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड करने के लिए वो कैपिटल यहाँ पर बोनस डिबेंचर भी ला रही है। तो यहाँ पर सेल्स की बात करें, देखिए सेल्स अगर बट ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो 3773 की कंपनी 13,000 की कंपनी में तब्दील हो गई है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 156 का 2500 करोड़ का सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस साल का ही हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस साल का ही हुआ है। तो इस चीज ये बहुत सारे पैरामीटर है जो आपको देखना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ कंपनी ने थोड़ा कर्ज ले रखा है, बोरिंग ले रखी है, इस वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। एक बार यहाँ पर ये इंटरेस्ट अगर यहाँ पर पे नहीं किया होता इन्होंने, ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसी की बात कर लेते हैं, 24 करोड़ का यहाँ पर नहीं किया होता तो यहाँ 24 करोड़ ऐड हो जाते, ओके, 400 करोड़ के आसपास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 111 करोड़ पूरे साल में यहाँ पर डेट पे नहीं किया होता तो यहाँ पर ये और ऐड हो जाते, तो यहाँ पर लगभग लगभग ये फिर 1900-1950 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट में तब्दील होता हुआ नज़र आता। तो यहाँ पर देखिए बोराइंग है थोड़ी सी 2000 करोड़ के आसपास की, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इस की बैलेंस शीट पर लगा हुआ है, इसी के लिए बोनस डिबेंचर ला रहे हैं। बट स्टिल कंपनी ऐसा भी नहीं है कि नहीं चुका सकती, रिजर्व्स देखिए अच्छे खासे रिजर्व्स है 3524 करोड़ के। यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी काम कर रही है, मशीन वशीन लगा रही है, अपने आप को बढ़ा रही है। यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में 117 करोड़ ऑलरेडी खर्च करे, कंपनी खर्च कर रही है, और जो कंपनी खर्च करती है वो आगे बढ़ती है, ओके, और वो भी जब जब एक नामी ग्रामी 100 साल पुराना एक ब्रांड है ब्रिटानिया। अगर कैश की बात करें, 211 करोड़ का कैश, 257 करोड़ का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, जो भी पैसा आता है बुक में सीधे दिखाई देता है। ROC की बात करें, 45 के ROC पे अभी भी कंपनी काम कर रही है, ओके। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है 50.55। FIs की होल्डिंग देखिए, FIs ने होल्डिंग बढ़ा ली है। DIs की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास भी 20% की हिस्सेदारी है, और 20% की भी नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे ना यहाँ पर, 200 याद रखिए, 200 DMA के नीचे अगर कोई शेयर चल रहा है तो समझ लीजिए वो एक आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो दो शेयर, एक वर्लपूल, एज वेल एज बात करें ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया के बारे में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ब्रिटानिया है, एक तो बेहतरीन कंपनी है ही है, लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा होगा। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं, हर बार इसी लेवल पर ये शेयर आता रहता है, इसी लेवल पर जाता रहता है, और इसी लेवल के लिए अगर हम बात करते हैं, इसी लेवल पर अगर हम खरीद के ओके यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर 12% का अपसाइड सीधे मुझे दिखाई दे रहा है कि 12-13% यहाँ मिलेगा। 3800 के आसपास ये शेयर आ जाए, चुपचाप बेच दीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कुछ और चीज़ की, तो आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके का जब एक राउंडिंग यहाँ पर बनाता है ना, हर बार बार ये एक राउंडिंग बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें एक राउंड, सॉरी एक यहाँ पर राउंडिंग ये बनाया है इसने। इसके अलावा अगर बात सॉरी, तो इस तरीके का है, जब ये राउंडिंग्स बनाता है ना, तो ये शेयर फिर ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही इसका ऊपर यहाँ से उठा लो, और यहाँ से उठा के इसे ऊपर रख लो, तो ऊपर शेयर इस तरीके से
जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि लगभग लगभग कितना है अगर बात करें तो 4200 के आसपास टारगेट आता है। बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर 4200 नहीं पकड़ रहे, इसका ऑल टाइम हाई भी नहीं पकड़ रहे, हम पकड़ रहे हैं यहाँ पर 3700-3800 रुपये के लेवल पर आ जाएगा, चुपचाप निकल जाएंगे। ओके, फिर दोबारा बाइंग मिलेगा मौका, दोबारा खरीद लेंगे। बाकी यही है, कंपनी यहाँ पर किसी डिविडेंड या फिर क्या कहते हैं बोनस डिवेंचर के लिए यहाँ पर शेयर नहीं करेगा, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग या फिर कह सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर ये शेयर खरीदा है। बाकी ब्रिटानिया और वर्लपूल, ये दो कंपनीज है जिससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है, मैंने बाइंग की है। आपको कोई बैंक सेलिंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी करिएगा। बाकी कंपनी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जोड़िए। बाकी बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।